हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जाता है, उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और साथ में क्या क्या चार्जेस लगते हैं जो कि आपको पे करने पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एग्रीकल्चरल लैंड पर घर बनाने की या कोई इंडस्ट्री डालने की या कोई भी आप फैक्ट्री डाल रहे हैं उसकी परमिशन नहीं होती है। उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। वो कैसे मिलती है? पहले आपको उस लैंड को जो कि कृषि भूमि है या फिर एग्रीकल्चरल लैंड को आपको नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कराना होगा और उसके लिए आपको आपके जगह के भूमि राजस्व विभाग के आयुक्त को एक लेटर लिखना होगा जिसमें आपको उस कारण का मेंशन करना होगा कि क्यों आप एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। और उस लेटर के साथ आपको कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं, जैसे कि आपको उसमें सेल डीड लगानी पड़ेगी, ओरिजिनल सेल डीड, मतलब कि जो खरीदने बेचने का जो प्रोसेस होता है उसका डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपको लगाना पड़ेगा। उसका म्यूटेशन लेटर, वो आपको लगाना पड़ेगा। सर्टिफाइड सर्वे मैप उस लोकल एरिया का, वो आपको लगाना पड़ेगा। और लेटेस्ट टैक्स पेड कोई रिसीप हो वो आपको उसमें लगानी पड़ेगी। और आपका कोई आईडी प्रूफ, वो आप उसमें लगा सकते हैं। और हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप उसको देंगे तो जब वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में जब कन्वर्ट की जाएगी तो उस जगह पर जिस जिले में आप रहते हैं वहाँ पर कोई एक लिमिटेड टैक्स भी लगता होगा उसको कन्वर्ट करने का, तो वो चार्जेस भी आपको पे करना पड़ेगा वहाँ। और साथ में आपको प्रॉपर्टी का एरिया 100 गज, 500 गज, 1 बीघा जो भी आप खरीद रहे हैं, वहाँ की फसलों का प्रकार, मिट्टी किस प्रकार की है और उस प्रॉपर्टी के पहले के और अभी के जो मालिक हैं उनके नाम आपको उसमें देने होते हैं। कुल मिला के कहें तो उनका आईडी प्रूफ भी उसमें लगाया जाता है, पहले के मालिकों के और अभी के मालिकों के। और अगर इस जमीन पर कोई पहले लोन था तो वो लोन अगर पूरा पे कर दिया गया है तो उसका पेमेंट प्रूफ भी इसमें लगाया जाता है। और अगर पूरा पे नहीं किया गया है तो ऐसी कंडीशन पे वो लोन पहले पूरा के पे करना होगा। स्पेशली जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं उनको इस बात की अगर नॉलेज नहीं होती है तो ऐसे चक्करों में फिर वो फंस जाते हैं, तो काफी ज्यादा फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आपके ज़िले के डिप्टी कमिश्नर या फिर कलेक्टर उस ज़मीन को एग्रीकल्चरल लैंड से नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने की परमिशन दे देते हैं और फिर आप उस पर चाहे घर बना सकते हैं या फिर अपनी कोई फैक्ट्री डालना चाहें, जो भी आप जिस परमिशन के लिए आपने लिया हुआ हो तो वो आपको परमिशन फिर वो आपको मिल जाती है। और उस जगह पर सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, जो भी आपका जिला है वहाँ पर हर जगह पर कन्वर्ट कराने की फ़ीस अलग अलग होती है। कहीं पर 50 रुपये पर गज है, कहीं 100 रुपये पर गज है, तो कहीं 200 रुपये पर गज भी ली जाती है। तो वो आपको आपके भूमि राजस्व विभाग से पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या फीस चल रही है। बट एक ज़रूरी बात, सपोज़ अगर आपने अपनी ज़मीन को एग्रीकल्चरल से नॉन एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट कराया और वो आपने रेजिडेंशियल के पर्पज़ से कन्वर्ट कराया, कि मतलब आप एग्रीकल्चरल लैंड को अब आवासीय भूमि में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब आप उसमें मकान बनाएंगे और उसमें रह सकते हैं, पर आप उसमें मकान नहीं बना रहे, आपने डाल ली उसमें कोई फैक्ट्री, तो ऐसी कंडीशन पे आप पे हाई पेनल्टी लगाई जा सकती है और जो आपकी कन्वर्जन फीस थी उससे 50% तक आपको टैक्स भी पे करना पड़ सकता है, आपको पेनल्टी लग सकती है और हो सकता है आपको कोई सजा का भी प्रावधान दिया जा सके। तो इसलिए आप जिस पर्पज़ से कराना चाह रहे हैं उसी वही पर्पज़ आपको उस लेटर में मेंशन करना होगा। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किस पर्पज़ से लैंड को कन्वर्ट करा रहे हैं, एग्रीकल्चरल से रेजिडेंशियल करा रहे हैं या फिर उसको कॉमर्शियल करा रहे हैं, तो दोनों की परमिशन अलग होती है और दोनों का यूज़ भी अलग होता है। तो ये एक उसका प्रोसीजर था कि किस तरीके से एग्रीकल्चरल से नॉन एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट कराया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी से रिलेटेड कुछ और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।